who's Ali here? That's Ali. No, this is Ali. This is Ali. This is mommy. This is Ayat. This is Baba. No, that's not me. This is Ayat. अस्सलामुअलैकुम। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आप सब की विंटर्स कैसे जा रहे हैं और न्यू ईयर के बाद आप सबका न्यू ईयर कैसा गुजर रहा है? आप सबने मुझे बताया, स्टोरी कुछ रह गई थी अधूरी, तो मैंने सोचा यहाँ पे पूरी कर देती हूँ। कुछ क्लिप्स मैंने लिए थे जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कहाँ पर पड़े हैं मेरी गैलरी में, तो वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। अच्छा, इस इन हैट्स का ना आजकल बहुत फैशन है यहाँ पे। मैं जितनी भी गर्ल्स को देख रही हूँ या फिर ओल्ड वुमेंस भी ना, ये बहुत अच्छे हैट के साथ मैचिंग कोट के साथ जा रही होती हैं, तो मैंने सोचा ये स्टाइल मैं भी क्यों ना कर लूँ। तो मैं जाके फटाफट जाते जाते जैसे फिर नकल नहीं होती, फ़ौरन से मैंने नकल की और अपनी अकल यूज़ की कि कहाँ पे सेल लगी हुई होगी, तो मैं गई हूँ और सब कलर्स के जो है ना मैंने हैट्स ले लिए हैं और आप इन पे देखिए प्यारे प्यारे से स्टोन्स भी लगे हुए हैं और ये मुझे पहन के भी बहुत अच्छे लगे हैं। वैसे तो मुझे ना पर्सनली गोल मटोल सा मेरा फेस है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे ऊपर ना कैप्स, दूसरी पी कैप्स या इस तरह की हैट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो गोल मटोल वाली हैट्स होती हैं वो मुझ पर बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। लेकिन ये वाले मैंने जब पहने तो मुझे बहुत अच्छे लगे और ये पेनीज पे सेल में थी तो मैंने ये सारे कलर्स ले लिए थे। और मुझे ब्लैक कलर का भी चाहिए था लेकिन ब्लैक कलर जो है वो वहाँ पे आउट हुआ हुआ था, वो भी मैं लेकर ना ज़रूर पहनूंगी क्योंकि हर कलर का मेरे पास अब होना लाजमी हो गया, क्योंकि मैं अगर एक चीज़ पे चढ़ जाती हूँ तो फिर उसके तो मतलब सत्यानाश हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और, जैसे कि आपको यहाँ भी लग रहा है कि पर्पल कलर पर आजकल ना मैं बस ख़त्म हो गई हूँ, पर्पल कलर हर चीज़ पर्पल, लिपस्टिक रह गई है, वैसे बाकी सब पर्पल पर्पल हो चुका है मेरे पास। तो एक कलर मेरा फेवरेट हो जाता है तो उसके ऊपर ही मैं जो है ना ख़त्म हो जाती हूँ, उसी कलर की सब चीज़ें मैं लेने शुरू हो जाती हूँ। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अभी तक उसकी लिपस्टिक नहीं ली पर्पल कलर की। वैसे मैक में है और उस दिन मैंने ट्राई भी की थी लेकिन लगा के कुछ मुझे खास अच्छी नहीं लगी, तो मैंने फिर उसको रहने दिया। लेकिन मैं अगर मेरे पे होता ना तो मैं वो पर्पल लिपस्टिक भी ले लेती, लेकिन वो मुझे फिर उन्होंने रोक दिया, कहाँ हो किन ख्यालों में हो, पर्पल लिपस्टिक भी लगाओगी क्या? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, अब इतनी भी मैं नहीं हूँ। अच्छा, पर्पल के साथ मैं आप सब आपको देख रहे होंगे मेरे पास फंकी कलर्स की हर चीज़ पड़ी हुई है। तारीफ करने की बात नहीं है लेकिन फंकी जनाब हर वक्त मैं रहती हूँ। अब जैसे कि जैसा मौसम होता है ना, इंसान उसके लिए आज से मूड बनाता है, क्योंकि यहाँ आयरलैंड में ज़्यादा सर्दी रहती है और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हसीन मौसम है और रंगों से भरपूर, जहाँ देखो हर तरफ ना रंग बिखरे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने ड्रेसेस और इस तरह की वैरायटी ले के आऊँ और अपनी खुशियों में रंग और भर दूँ, अपनी लाइफ में और रंग भर दूँ। वैसे तो रंग भरी ज़िंदगी ना काफ़ी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी, लाइफ बहुत अच्छी सेट से जा रही है, लेकिन इसमें जब मैं ये रंग भर देती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है सच में ख़ुद से ना। अगर रंगीन हो तो उसमें रंग भरने का अपना ही मज़ा है ना। अच्छा, यहाँ मैं आपको और भी अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, पहले मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी बहुत मैंने सेटिंग की है तो मैंने सोचा आज दिखा ही दूँ। सब लोग बोल रहे थे सेट करके भी दिखाना, वैसे ये मैंने नहीं की है, उन्होंने किया है थोड़ी बहुत जो की है, बाकी जो है अभी बहुत कुछ रहता है। वैसे यहाँ की जो है ना कबर्ड्स बहुत ही छोटी, बाहर से बड़ी लगती हैं लेकिन अंदर से बहुत ही कम स्पेस है एज़ कम्पेयर टू दुबई में, तो बस मेरी तो चीज़ें पूरी नहीं आ रही थी और मैंने एक कार्टन पुरानी चीज़ों का बना के वो साइड पर रख दिया और नई चीज़ें जो हैं अंदर बस ठोस दी किसी तरीके से कि पूरी आ जाएँ। अच्छा, रिवर आइलैंड पे ना बहुत अच्छी सेल चल रही है, अगर आप भी यहाँ पे हैं यूके वाली साइड पे हैं तो आपने ज़रूर जाना है रिवर आइलैंड पे, बहुत अच्छी आपको कलेक्शन मिलेगी, बूट्स की कलेक्शन मिलेगी, स्नीकर्स की, बच्चों की चीज़ें काफ़ी अच्छी वहाँ से मिलने वाली हैं। तो मैंने क्या शॉपिंग की है वो भी मैं आज आपसे यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ।
पहन के ना जब मैंने ये वीडियो इंस्टा पे लगाई तो बहुत से लोगों के डीएम्स आए, तो आपने ये वाला शूज़ लिया, ये वाला सैंडल लिया कि नहीं लिया? लेकिन मैंने ले लिया था और अंदर कहीं रख के मैं इसको भूल गई थी, और दोबारा मुझे याद आया तो मैंने सोचा मैंने इसको तो ऐड किया ही नहीं अपनी क्लिप में, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछ रहे थे। बहुत अच्छा कलर है ये, और वैसे तो ये ब्राइडल टाइप लोग वेयर कर सकते, लेकिन मैं तो जनाब आपको पता हर टाइम ब्राइडल रहती हूँ। और ये आप गोल्डन, वैसे यहाँ ज़्यादा शार्प लग रहा है गोल्डन पहन के, ये बहुत थोड़ा सा मतलब थोड़ा डल गोल्ड लगता है और बहुत प्यारा लगता है पहन के। और आपको मैं पहन के भी आगे चल के वीडियो में दिखाती हूँ। अच्छा, ये 73 यूरो की थी और मुझे सेल में आई थिंक पता नहीं कितने की मिली। अब ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं, वहाँ पे मैंने इसकी सारी सेल के साथ प्राइस दिखाई थी, और अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊँगी इस वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में मेरे साथ। कि ना सारे साल की शॉपिंग मैंने कर ली, मैंने ये उनको कहा है, बहुत सी लड़कियों ने ऐसे कहा कि शॉपिंग की होगी, और बच्चों की सारे साल की शॉपिंग होगी, उनकी भी सारे साल की शॉपिंग होगी, और मेरी तो वैसे भी बहुत ही कम शॉपिंग होती है, मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ। मैंने उनको ये सब कहा है कि मैं तो अब पूरे साल शॉपिंग नहीं करने वाली, बस मुझे यहाँ पर शॉपिंग करने दी जाए। अच्छा, दिसंबर से पहले ना मुझे जब यहाँ आई थी तो मुझे पता था कि यहाँ पे सेल लगती है बहुत अच्छी वाली ना, तो सारी मेरी फ्रेंड्स ने बोला था कि तुम अभी शॉपिंग मत करो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सुकून करो, थोड़ी ब्रेक लगाओ, दिसंबर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत अच्छी सेल लगती है तो तब शॉपिंग करना ना। मैंने फिर भी थोड़ी थोड़ी तो ब्रेक लगाई थी वैसे, और उसके बाद जैसे ही स्टार्ट हुई ना सेल तो मैं पागल हो गई थी, आप सबको मैं बता नहीं सकती। सच में बहुत अच्छी वाकई यहाँ पे सेल्स होती हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी धोखा भी हो जाता है कि बाहर सेल लिखी हुई होती है और हम जैसी अंदर जाती हैं और अंदर सेल में वही प्राइस होती है, और सेल में वही चीज़ उठा के ले आते हैं जो कि एग्जैक्ट वही वाला प्राइस होता है जो पहले होता है, बिफोर एंड आफ्टर सेम प्राइस होता है, तो ऐसे भी होता है। मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है, लेकिन फिर भी अकल नहीं आती ना, क्या करें, अकल से हम पैदल हैं, क्योंकि बस सेल नज़र आ जाए तो हम पागलों की तरह देखते नहीं है कि पहले इसकी क्या प्राइस थी। कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, लेकिन मैं उन समझदारों में से बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे इसलिए बताती हूँ कि मैं जो हूँ वो मैं हूँ, अब मैं क्या कहूँ, मैं ख़ुद से बन नहीं सकती हूँ और मैं आप सबको दिखाने के लिए भी बनती नहीं हूँ, जैसी मैं हूँ वैसी ही रहूँगी आगे भी, क्योंकि मैं इसमें बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वाकई अपनी लाइफ का ना इस तरह ही जीने में मज़ा आता है, और मैं आप सबको भी यही सजेशन देना चाहूँगी कि इंसान कैसा है वो सिर्फ उसके अल्लाह को पता होता है और इंसान को खुद का पता होता है। तो अगर हम किसी को टॉन्ट करते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं, तो उससे पहले हमें खुद को भी तो देखना चाहिए ना, तो इसलिए किसी को नहीं बोलना चाहिए, खुद को पहले देख ले कि हम अपने अल्लाह के सामने किस तरह हैं। अगर अल्लाह ने हमारे राज पोशीदा रखे हैं तो वो तो अल्लाह का कमाल है, हमारा तो कोई कमाल नहीं है। तो जनाब बस ये छोटी सी बात है, इस पर गौर करें। जी, मेकअप की जो शॉपिंग की है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मेकअप में क्या चीज़ मैंने न्यू ऐड किया है और क्या यहाँ के मुझे चेंज लगा है, जो कि दुबई में मुझे नहीं मिला था यहाँ मुझे मिल गया, और जो दुबई में था वो यहाँ नहीं मिला। क्या ऐसा हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी ना काफ़ी अच्छी शॉपिंग होगी है सेल में से। जो मैंने सोचा था कि मेकअप पे काफ़ी अच्छी लगेगी सेल, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, बूट्स पे यहाँ पे लगी है, लगा कि इस पे यहाँ पे सेल कुछ ज़्यादा अच्छी लगी है। यही ड्रग स्टोर के जो आइटम्स होते हैं ना उसके ऊपर काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो उनमें से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं अभी, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत किया, सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कीजिए, खुदा हाफिज़।